नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा 5G वर्सेस ओप्पो रीनो 11 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 अल्ट्रा में 6.34 इंच जबकि 11 5G में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 50 अल्ट्रा में 2.85 इंच जबकि 11 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 50 अल्ट्रा में 0.34 इंच जबकि 11 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 अल्ट्रा में 197 ग्राम्स जबकि 11 5G में 182 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 50 अल्ट्रा में PoLED जबकि 11 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 50 अल्ट्रा में 20:9 जबकि 11 5G में 20:1:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 50 अल्ट्रा में 1220x2712px FHD+ और 11 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 अल्ट्रा में 92.95% जबकि 11 5G में 89.82% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50 अल्ट्रा में 444 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 11 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50 अल्ट्रा में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 11 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50 अल्ट्रा में 18 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 11 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 अल्ट्रा में Adreno 735 जबकि 11 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 अल्ट्रा में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और 11 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो 50 अल्ट्रा में 12GB जबकि 11 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 50 अल्ट्रा में 512GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 11 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 50 अल्ट्रा में नहीं है जबकि 11 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 50 अल्ट्रा में 4500 mAh जबकि 11 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 50 अल्ट्रा में 3 कलर्स जबकि 11 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 अल्ट्रा में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 12 गीगाबाइट रैम 512 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 56,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 11 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 29,690 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 28,500 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें ओप्पो रीनो 11 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 50 अल्ट्रा आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 50 अल्ट्रा आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy S24 5G है, तीसरा Google Pixel 8a 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola H50 Fusion 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।